हाय गाइस, आज मैं शाम को बनाऊंगी चिकन पकोड़ा। तो मैं चिकन मैरिनेट किया हूँ, अदरक लहसुन हरी मिर्ची ब्लैक पेपर शुगर और नमक और वाइट ऑयल और जीरा और धनिया पाउडर से सारे दिन मैरिनेट किया था, मैं करके रखा था। मैं तो उसमें मैं 3 स्पून कॉर्नफ्लावर डाला और 1 अंडे डाल के अच्छा से मिक्स किया हूँ। और 1 कढ़ाई में ऑयल डाल के ऑयल गर्म हो जाने तक उसमें नमक डाला हूँ। एक एक करके पकौड़ा मैं छोड़ रही हूँ। तो पहले जोर आँच और बाद में आँच थोड़ा कम करके पकौड़ा को अच्छे से मैं तल रही हूँ। सुनहरी होने तक मैं फ्राई करूँगी पकौड़ा। तो मैं 10 मिनट पकौड़ा को अच्छे से फ्राई किया और उठाया। ये पकौड़ा बाद में मैं एक साथ में डालूँगी और बाद में और जो चिकन था वो चिकन डाला मैं, पकौड़ा छोड़ रही हूँ। वो भी वही एक ही तरीका में मैं फ्राई करूँगी। तो उसमें पहले का पकौड़ा सब एक साथ में डाल के 1-2 मिनट फ्राई किया हूँ। तो अब उठा रही हूँ, बहुत अच्छा स्मेल निकल रहा है और देखने में ही भी बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया पकौड़ा हुआ है मेरा आज। तो मैं सलाद काट लिया, ऑनियन और नींबू और गाजर। तो फ्रेंड्स, जिस जिसका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो टाटा बाय।